गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल। मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या दिया हुआ है आपको, देखो समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 21, 18, 15। ठीक है, इसका कौन सा पद -81 है, मतलब समझ में आ रही है आपको, मतलब अपन को पदों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब कौन से नंबर के पद पर -81 आएगा, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो हमें ए बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पर 21, डी का मान कितना हो गया 18 - 21, तो डी बराबर कितना हो गया -3। ठीक है, और ए एन जो पद लास्ट पद दिया हुआ है हमें क्या दिया हुआ है -81, और पदों की संख्या के लिए स्मॉल एन, चूंकि हमें जानते हैं फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बात समझ आ रही, तो ए एन का मान कितना हो गया -81 बराबर ए का मान 21 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान हमने रख दिया यहाँ पर -3। तो -81 बराबर 21 प्लस, इसको मल्टीप्लाई किया तो -3n और -+3, तो 3n इज इक्वल टू, ये माइनस का इधर आ गया और ये इसको हमने उधर भेज दिया, तो 3n बराबर 21 प्लस 8 प्लस 3, तो 3n बराबर कितना हो गया 105, तो n का मान कितना हो गया 105/3, तो इसको हम करेंगे तो n बराबर कितना आ गया 35, मतलब 35वें नंबर पर इस पद कौन सा होगा -81 पद होगा। ठीक है, -81 35वें पद पर -81 वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य है, तो ए का मान कितना दिया हुआ है 84, डी का मान कितना हो गया 80 - 84, तो डी का मान कितना हो गया -4, और ए एन का मान शून्य और एन का मान हमें ज्ञात करना है, तो हमने फॉर्मूला लगाया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन का मान 0 बराबर 84 + (n-1)-4, तो ये कितना हो गया 0 बराबर 84, ये माइनस का 4n और -+4, तो 4n बराबर 88, तो n बराबर क्या हो गया 88/4 बराबर 22, मतलब 22वें पद के ऊपर मान शून्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का 6वां पद 17 तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है, मतलब A6 का मान कितना है 19 और A17 का मान कितना है 41, तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहली बात A6, जैसा मैंने कल की क्लास में बताया था A6 लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस A6 का मतलब क्या हुआ A+6 - 1 × D, इसका मतलब क्या हुआ A+5D = 19 दे रखा है अपन को, और A17 का मान कितना दिया हुआ है A+16D = 41 अपन को दे रखा है, तो यहाँ से हमने साइन चेंज की है, ये माइनस का हो गया, चिन्ह चेंज करते ये प्लस का है, तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, घटा रहे हम, तो ये क्या हो गया प्लस और माइनस ये तो कैंसिल हो गया, 16D में से 5D को माइनस किया तो क्या हो गया 11D बराबर ये कितना हो गया 22, माइनस का 11D माइनस का 22, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 11D बराबर क्या हो गया 22, तो यहाँ से 11D बराबर अगर 22 है तो D बराबर कितना हो जाएगा 22/11, और 22/11 का मतलब कितना हो गया D का मान कितना हो गया 2। अब इसी प्रकार से D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है ये समीकरण नंबर 1 है, तो कितना हो जाएगा A+5D = 19, तो A+5D का मान कितना है 2/19, तो ये कितना हो गया A+5×10/19, तो A = 19 - 10, तो ए का मान कितना आ गया 9। अब हमें क्या ज्ञात करना है 40वां पद ज्ञात करना है, तो A40 = 9+40 - 1 × 2, A+(n-1)(D), तो A40 का मान कितना हो गया 9+40 में से 1 माइनस हुआ तो 39 × 2, तो A40 = कितना हो गया 9+78 और 9 को जोड़ा तो कितना आ गया 87, मतलब 40वां पद कितना आ जाएगा 87 होगा।